नमस्कार, मैं धारण गौर आप सभी का स्वागत करता हूं एनबीसी हिंदी में। मुद्दा सबरीमाला मंदिर, जहां पर 10 साल से 50 साल की महिलाओं का जाना निषेध था, लेकिन कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट की 4 जजों की बेंच ने ये फैसला दिया कि ये नियम खारिज किया जाता है। इस पूरे मुद्दे की रूपरेखा जानते हैं मानस जी से। तो मानस जी, बताइए इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मेरा विचार कहने से पहले मैं सबरीमाला मंदिर जो अंदर वहाँ पे 10 साल से 50 साल की औरतें जो जाती थी जी, जो निषेध था जाने का, उस चीज़ के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट थे JSI दीपक, उन्होंने क्या क्या बोला था, क्या क्या लिखा था, वो हमारे दर्शकों को और आपको मैं सुना देना चाहता हूँ। बहुत अच्छे से सुनिएगा। सबरीमाला लॉर्ड अयप्पा हैज राइट्स अंडर आर्टिकल 21, 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इज राइट टू रिमेन ए नैस्तिक ब्रह्मचारी फॉल्स अंडर आर्टिकल 25 एंड हेंस विमेन्स एंट्री इनसाइड द टेम्पल कुड कंटिन्यू टू बी रेस्ट्रिक्टेड। उन्होंने फिर बोला था, इट इज एविडेंट फ्रॉम द अबव जजमेंट दैट लॉर्ड अयप्पा टू हैज द कैरेक्टर ऑफ ए ज्यूरिस्टिक रीजन अंडर द हिंदू लॉ एज रिकॉग्नाइज बाय द ऑनरेबल कोर्ट। उसके बाद उन्होंने बोला, कॉन्सिक्वेंटली द डाइटी जो देवता है एंजॉयज द राइट एज ए पर्सन अंडर आर्टिकल 25(1), 26 and 21। द डाइटी एज द ओनर ऑफ हिज अबोर्ड एंजॉयज द राइट टू प्रीवेसी अंडर आर्टिकल 21 एंड दिस इंक्लूड द राइट टू प्रिजर्व इज सेलिब्रेट फ्रॉम एंड His वो ऑफिस नैस्टिक ब्रह्मचार्य, जो सेलिब्रेट मतलब अविवाहित जो रहते हैं भगवान, उसी के बारे में कहा गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे कहा गया है, इट इज द विल ऑफ द डाइटी दैट इज बींग प्रिजर्व बाय द टेम्पल थ्रू द ट्रेडिशन इट ऑब्जर्व विच इज इफेक्टिवली द ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनली द डाइटी हैज द राइट टू फॉलो हिज धर्मा लाइक एनी अदर पर्सन अंडर आर्टिकल 25(1) and the state is duty bound to protect his faith. In sight of this, clearly the petitioner's right under article 25(1) cannot prevail over the deity's right. In fact, they must be necessarily subservient to the rights of the deity. यहाँ पे पूरा clear हो जाता है चीज़ें, क्योंकि भगवान के privacy, भगवान के जो मतलब धर्म religious priority को constitution के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णना कर दिया था। Okay. तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस जो ये जो पिटीशन दायर हुई है, तो इस पिटीशन का इतिहास क्या रहा है और इस पिटीशन की अवस्था वर्तमान में क्या है? बहुत बहुत अच्छे प्रश्न आपने पूछा। सबसे बड़ी बात है 1965 में से 10 साल से 50 साल की औरतों को मंदिर के अंदर प्रवेश निषेध था। 1991 में केरल हाईकोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था कि उस मंदिर के अंदर 10 साल से 50 साल की औरतें नहीं जा सकती, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी। सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से 2006 में कुछ महिला एडवोकेट जो कि केरल में थे, उनके मन में भक्ति था या क्या था, वो क्या चाहती थी मुझे नहीं पता, उन्होंने पिटीशन दायर किया। और वो पिटीशन के 3 क्वेश्चन रहे। उस जो क्वेश्चन जो है, मैं आपको वो ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन ये था कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सबरीमाला टेम्पल, द पिटिशनर सेज, उन्होंने बोला था कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 के अनुसार जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वहां पे करते हैं, मतलब करा जा रहा है कि महिला नहीं प्रवेश कर सकती, तो इसके ऊपर उन्होंने पिटिशन दिया था। सेकंड क्वेश्चन ये था कि मेंस्ट्रुअल वुमेन, अगर जैसे कि 10 साल से 50 साल की औरतों की बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने उसमें ले लिया था कि एज उनके पीरियड्स होता है, उनकी प्यूबर्टी की क्षमता होती है, तो इसीलिए उनको अंदर में नहीं जाना दिया जाता, तो एक इम्प्योरिटी का सवाल है। विमेन के जो क्या बोलते हैं कि इम्प्योरिटी पे जो सवाल, उनको बहुत इंसल्ट फील किया, तो सेकेंड क्वेश्चन यही था। और थर्ड जो बहुत अहम क्वेश्चन था और लोगों को जानना चाहिए उसका आंसर, यह है कि टेम्पल अगर स्टेट से मनी एक्सेप्ट करती है, तो उसके बावजूद वो स्टेट की बात या लोगों को क्यों नहीं घुसने देगी, या स्टेट की बात क्यों नहीं मानेगी। तो सबसे बड़ी बात यहां पे ये आके रुक जाती है कि केरल में
वहां पे फेमिनिज्म इश्यू कुछ था ही नहीं जी। आपको अगर इस चीज को बहुत अच्छे से आप समझते हैं तो आप अगर देखेंगे तो इसमें फेमिनिज्म का इश्यू नहीं है। अगर कोई महिला को कोई मंदिर के रूल के हिसाब से उसके अंदर घुसने नहीं दिया जाता, क्या उसका फेमिनिज्म खत्म हो जाता है? क्या वो नीचे हो जाती है? हमारे भारत में इतने सारे मंदिर हैं, 6-7 मंदिर हैं जहां पे मैन जो पुरुष है वो नहीं जा सकते। अगर पुरुष बोलने लगे कि हम भी जाएंगे, हम क्या इम्प्योर है क्या, तो ये एक सवाल नहीं होता। हाँ। इसको एक जबरदस्ती सवाल किया जा रहा है, मेरा इसी में प्रश्न है। तो मेरा भी एक प्रश्न है इसी से जुड़ा। बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। आखिर ऐसी क्या ठोस वजह है कि 10 साल से 50 साल की महिलाओं को जाने नहीं दिया जाता मंदिर के अंदर? हमारे दर्शकों को मैं बता देना चाहूंगा जी, जो नहीं जानते, नहीं क्या जानते, सबने थोड़ा सा सुना होगा, मगर लोग क्या होता है, जब लोगों को बहला दिया जाता है, फुसला दिया जाता है, लोग इशू को ना जानते हुए इशू के पीछे भागते हैं। लोग के मन में डायरेक्टली आ जाता है कि 10 साल से 50 साल की औरतें मंदिर में नहीं घुस पाती हैं, तो ये तो बहुत बड़ी अविचार है, मतलब लोगों को, महिलाओं को नहीं दिया जा रहा। आजकल फेमिनिज्म बहुत ऊपर है। बिल्कुल, मतलब इसीलिए मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूं कि जो मंदिर में अयप्पा भगवान है वो पहले शिव और विष्णु के पुत्र हैं। शिव एक पुरुष है और विष्णु जब मोहिनी रूप धारण करे थे उस टाइम शिव उनसे आकर्षित हुए थे और दोनों के संबंधों के बाद अयप्पा का जन्म हुआ था। और अयप्पा भगवान जो है उनका नेचर है वो सेलिबसी नेचर, वो अविवाहित रहने का प्रण किए थे और उनको नैष्टिक ब्रह्मचारी कहा जाता है। हाँ। तो इसी हिसाब से मैं यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहूंगा कि एक ब्रह्मचारी शब्द जब हमारे मन में आता है, कोई भी लेमैन को जाके आप पूछ लीजिए कि अगर मैं आपको पूछूं तो पहला आंसर ये आएगा कि ब्रह्मचारी का डेफिनेशन ये है कि एक पुरुष हो या एक महिला हो, एक ब्रह्मचारिणी हो या एक ब्रह्मचारी हो, वो अपने ऑपोजिट जेंडर से दूर रहेगा या रहेगी। ये है, ये ले नेचर, मतलब लेमैन नेचर है कि कोई किसी को भी पूछ दिया जाए तो ये आंसर मिलेगा। मगर बात आके यहां पर रुक जाती है कि अगर ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ ये है तो जब नैष्टिक ब्रह्मचारी आ जाता है तो वहां पे ऐसे नहीं कि बहुत लोग बोले, आपने भी कुछ दिन पहले बोला था कि ये जो चीज है पूजकों ने बना दिया होगा, तो इसको मैं पूर्ण रूप से खंडन करते हुए आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर हम मंदिर के बारे में बात करते हैं, मंदिर के चीजों के लिए बात करते हैं, मंदिर के लॉ के लिए बात करते हैं, तो हमको स्क्रिप्चर्स जो है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको जानना जरूरी है। तो एक स्थल पुराण नामक पुराण है जिस स्थल पुराण में पर्टिकुलर टेम्पल का पर्टिकुलर ट्रेडिशन और कल्चर जो है उसके बारे में लिखा गया है। और अयप्पा मंदिर वैदिक रीति के हिसाब से नहीं चलता, ये आपको जानना होगा। केरल में जितने सारे मंदिर है वो तांत्रिक रीति नीतियों के साथ चलती है, तो वहां पे एक तांत्रिक रीति नीति के अनुसार एक बुक है, जिस बुक मतलब जो वेद है उनका नाम है भूतनाथ उपाख्यान, जिसमें इसका हिस्ट्री लिखा गया है कि वो जो नैष्टिक ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं तो वो उसमें मेंशन किया गया है। और उसमें ये भी मेंशन किया गया है कि 10 साल से 50 साल की औरतें जिनकी प्यूबर्टी का क्षमता है वो उनके सामने नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो अगर उनके पास जाते हैं तो उन महिलाओं का कुछ खराब होगा। एज अयप्पा भगवान नैष्टिक ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं तो ये उनका रूल्स रेगुलेशन है कि उनके पास 10 साल से 50 साल की महिला जाए। सबसे बड़ी बात यहां पे मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि यहां ये एक उपाख्यान में लिखा गया है। ओके, तो एक सवाल हर किसी के मन में आता है, खासकर फेमिनिस्ट जो तबका है उनके मन में आता है, तो क्या भगवान अयप्पा जो है वो होमोसेक्सुअल हैं? ये होमोसेक्सुअलिटी के बारे में कहने से पहले एक बहुत अच्छी बात मैं बता देना चाहता हूं। जी जी जी। अयप्पा भगवान का जो नेचर है, क्यों ऐसे किया गया है कि 10 साल से कम या 50 साल से ऊपर, अयप्पा भगवान अपने जो औरत या महिला है 10 साल से कम इसका मतलब बच्ची के रूप से, या 50 साल से ऊपर इसका मतलब माँ के रूप में देखना चाहते हैं, वो प्यूबर्टी के मतलब आकर्षण के रूप से वो अपने भक्तों को देखना नहीं चाहते।
आपने अभी होमोसेक्सुअलिटी की बात किया, बहुत अच्छा प्रश्न है जी, ये लॉजिकल इंडिया, लॉजिकल इंडिया में आप कुछ भी लॉजिक दे सकते बिल्कुल. हैं, जैसे कि कई जगह रावण को पूजा किया जाता है, महिषासुर को पूजा किया जाता है, बहुत सारे लॉजिक्स हैं इंडिया में, बहुत सारे, मतलब आप अगर लॉजिक देना चाहेंगे, नैरेटिव देना चाहेंगे, बहुत सारे नैरेटिव निकलेगा. अगर होमोसेक्सुअलिटी का नैरेटिव देते हैं आप, मगर हमारे जो वेद पुराण जिसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्मचारी का मीनिंग, वो होमोसेक्सुअल हो या बाइसेक्सुअल हो या हेटरोसेक्सुअल हो, ब्रह्मचारी का मीनिंग ये होता है कि ऑपोजिट जेंडर से वो दूर रहे. और अगर होमोसेक्सुअल की बात आपने कर दिया है, तो आज तक कोई भी एविडेंसेस नहीं आया है या कोई पुराण में मेंशन नहीं हुआ है कि स्वामी अयप्पा कोई पुरुष द्वारा आकर्षित होंगे, ये उसका ठोस सवाल है. अगर हम किसी चीज को नैरेटिवली या लॉजिकली देखना चाहेंगे, अगर मंदिर के विषय है तो मंदिर के विषय को स्क्रिप्चर और ट्रेडिशन को मानना जरूरी है मेरे हिसाब से. जी 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 तो जैसे अभी आपने बोला कि वो नहीं देखना चाहते किसी आकर्षण की दृष्टि से, बिल्कुल. तो एक सवाल ये भी उजागर होता है कुछ इंटेलेक्चुअल तबके के मन में कि क्या अयप्पा में ये कमी है कि वो खुद को रोक नहीं सकते अट्रैक्ट हुए बिना. आपके प्रश्न तो आपने पूछा, मगर आपके प्रश्न का जो समझ है मैं समझ चुका हूं. आपने बोला कि ये, तो यहाँ पे एक्चुअली प्रश्न होना चाहिए थे, वो अगर भगवान है तो उनका वीकनेस क्यों है. जी जी, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि हमारे हिंदू परंपरा, इस्लामिक परंपरा और क्रिश्चियन परंपरा, तीनों अलग अलग परंपराएं हैं. क्रिश्चियन लोगों का बाइबल है, इस्लाम का कुरान है. और हिंदू धर्म में कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है. बहुत लोग बोलते हैं गीता है, गीता भगवान का वाणी है. जैसे इस्लाम में कुरान में अल्लाह मोहम्मद प्रॉफिट जो है उनके बारे में बोला गया है, और जो इस्लाम में कल्चर्स है उसको समझाया गया है, उसको आसमानी किताब कहा जाता है. ऐसे कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में नहीं है. अगर हिंदुइज्म की बात करें तो आपने सुना होगा, आपने अगर हिंदू स्क्रिप्चर देखा है या सुना है, इंद्र भगवान, मतलब देवताओं का राजा कौन है, इंद्र है. इंद्र है. तो इंद्र के कितने फ्लॉटेड स्टोरी है आपने सुना होगा, बहुत सारे मतलब लोगों के साथ, स्त्रियों के साथ उन्होंने फ्लर्ट किया है या क्या किया है. तो हिंदू परंपरा के अनुसार एक आदमी जब मनुष्य रूप में जन्म लेता है, वो मनुष्य रूपी सारे वीकनेसेस, सारी चीजों को करने के बाद, सारी गलतियां करने के बाद, वो लास्ट में अटेम्प्ट टू बी ए गॉड होता है. गॉड नहीं, डाइटी. हमारे गॉड कल्चर है ही नहीं. तो इस चीज में बताना चाहूंगा कि हमारी हिंदू परंपरा में, स्क्रिप्चर कल्चर ट्रेडिशन में कोई भगवान परफेक्ट नहीं है. जी, चीज है. अगर कोई अपने आप को ब्रह्मचारी, क्योंकि वो जो नेचर है वो कांस्टेंट है. आप लॉजिकली, अगर आप अगर लॉजिक देते हैं, मेरा लॉजिक ये है कि अगर भगवान है आपका कांस्टेंट है, उन्हें प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, वो अगर नैस्टिक ब्रह्मचारी है, अगर वो उनका घर है, आपके घर है, आपका घर है, और आपके घर में मैं घुस के बोलूंगा कि मैं मेरा रूल चला, ये हो सकेगा क्या? और एक एग्जांपल हम आपको देना चाहेंगे, कोलकाता या जो ईस्ट साइड है, उड़ीसा, कोलकाता, बंगाल, वेस्ट बंगाल, उनका कल्चर अलग है. दिल्ली, नॉर्थ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनका कल्चर अलग है. अगर एक दुर्गा मंदिर या एक गणेश मंदिर दिल्ली के सरोजनी नगर में है, और एक मंदिर कोलकाता में है, तो कोलकाता में उसी सेम मंदिर में तो नॉनवेज पूजा किया जाता है, मगर अगर दिल्ली में आप उसी मंदिर में एक बंगाली जाके बोलेंगे कि मैं यहाँ पे नॉनवेज पूजा करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो ये गलत चीज है, वो करने देंगे क्या? नहीं करना. अगर प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक मंदिर वो भगवान का हो जाता है, तो उसके घर में हिज रूल, हिज लाइफ हिज रूल, उसके घर में उसका रूल रहना जरूरी है. बिल्कुल. तो यही नैरेटिव आके यहाँ पे रुक जाती है. जैसे कि उस पिटिशन में भी था कि स्टेट जो है वो मंदिर को पैसा देता है, तो यही एक सवाल उजागर होता है यहाँ पर कि अगर मंदिर स्टेट से पैसा लेता है, तो मंदिर को भी स्टेट के बनाए कायदे कानून नियमों को मानना चाहिए. फैंटास्टिक क्वेश्चन. ये चीज लोगों को जान, लोगों जो लोग हैं, भारत के लोग हैं, ये बहुत अच्छा लॉजिक है, मगर इस लॉजिक को जानने से पहले हमको मंदिर के इतिहास और पहले क्या था, क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से जानने की जरूरत है. आर्टिकल 27 के हिसाब से कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद, कोई भी चर्च अपने धर्म के प्रचार के लिए सरकार से पैसा नहीं ले सकता.
सरकार से पैसा नहीं ले सकता। मगर आपका प्रश्न आके यहां रुक जाएगा कि हर साल अयप्पा मंदिर सरकार से 51 लाख क्यों लेता है। तो मैं आपको यहां पे बता देना चाहूंगा, 1922 में भारत आजाद नहीं हुआ था। जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो हमारे देश के जो बहुत सारे स्टेट प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली वो त्रावणकोर एक प्रिंस एम्पायर था, त्रावणकोर एम्पायर के पास वो मंदिर था। तो जब मंदिर का रूल ये था कि मंदिर का जगह जब राजा ने लिया था तो राजा हर साल उस मंदिर को पैसे देता था। जब प्रिंसली स्टेटली इंडियन यूनियन गवर्नमेंट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर दिया तो वो राज्य में जो जो रूल्स रेगुलेशन राजा मानता था वो स्टेट का ड्यूटी है कि वो सारे चीजें माने। तो एज वो मंदिर का लैंड है, मंदिर का भूमि है, तो मंदिर का भूमि अगर एक स्टेट गवर्नमेंट लेता है तो वो पैसे जो 51 लाख दे रहा है वो दान नहीं दे रहा है, वो उसका अधिकार है कि मंदिर की जमीन अगर सरकार रेंट पे लिया है तो वो उसका रेंट देगा, वो धर्म प्रचार या धर्म के लिए पैसे नहीं देगा। सब्सक्राइब करें NBC हिंदी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।